Students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a lesson, The Adventures of Toto, in which we were discussing about the adventures done by Toto at grandfather's house. अब तक हमने काफ़ी एक दो चीज़ें पढ़ी हैं टोटो के बारे में. एक तो यही पढ़ा था कि जैसे जिस भी एनिमल के साथ उसको रखते थे, ही यूज टू टीज दैट एनिमल. एक हमने पढ़ा था दैट वेन grandfather took him to सहारनपुर, तो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े थे टोटो के कारण. ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था नाना जो है वहाँ के डंकी, उसको भी उसने परेशान किया. दिस वी हैड रेड, सो वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट टोटो. टोटो की और भी कई बातें, हरकतों के बारे में से पढ़ेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट. अ ग्रेट ट्रीट ऑफ टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. ठीक है, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ. तो सबसे ज़्यादा उसका मतलब कि द इंटरेस्टिंग टाइम उसके लिए ग्रेट ट्रीट हो जाती थी एक तरीके से, व्हेन ही वाज गिवन वाटर, गर्म पानी जब उसको दिया जाता है विंटर सीजन में बाय द ग्रैंड मदर टू टेक बाथ. तो वो क्या करता था, कनिंगली मीन्स वेरी क्लेवरली, ठीक है, वेरी क्लेवरली ही यूज़ टू चेक द टेम्परेचर विद द हैंड. जैसे हम लोग करते हैं कि पानी गर्म है तो हम पहले हाथ डाल के देखते हैं जबकि क्या इतना पानी है कि जिससे हम उस इतना गर्म तो नहीं है जिससे हम ना नहा सकें. लाइक दैट ही यूज़ टू चेक द टेम्परेचर विद द हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ. ओके, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग. हेयर मी इज़ द नरेटर. जैसे नरेटर क्या करता था बचपन में, उसी तरीके से ही ऑल्सो यूज टू पहले एक पाँव अंदर रखना, फिर दूसरा पाँव बकेट के अंदर रखना, देन लाइक दैट ही यूज टू टेक बाथ अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक. कितने अंदर तक जाता था, अप टू विच प्लेस हिज नेक वॉज देयर इन साइड द वॉटर. ओके, ओनली फेस का पोर्शन छोड़ के बाकी सारी बॉडी को पानी के अंदर रखना. वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. ये तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ओके, ही यूज टू पुट सोप ऑन हिज बॉडी. वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. जो जिस क्योंकि वो पानी के अंदर बैठा है और जब पानी ठंडा हो गया देन वट ही यूज टू डू, ही रश्ड टू द किचन और वहाँ पर जाके अपने आप को किचन फायर जो खाना वगैरह बनाने के लिए आग लगाई जगाई जलाई जाती है वहाँ पे वो अपने आप को ड्राई करता था. ठीक है, इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज़ फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ. ओके, मीन्स इफ क्योंकि इतनी ऐसे मिस्चीवियस हरकतें देख के तो किसी को भी हंसी आ जाएगी. दैट इफ़ एनी वन वॉज लाफिंग देन ही यूज टू से दैट ही वुड नॉट टेक द बाथ. वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन क्या हुआ, वन इंसिडेंट हैपन्ड विद हिम दैट ही बॉइल्ड हिमसेल्फ. ठीक है, नियरली यानी टोटली बॉइलिंग मतलब कि नियरली बॉइल मीन्स जिंदा ही जलने वाला था, उबल जाता था. हाउ, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ वॉज नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन. जैसे पानी रखा था बॉइलिंग के लिए किचन में, ठीक है, चाय बनानी थी तो बड़ी सी कैटल थी वो, तो फर्स्टली ही सेम लिड उठाया, वाटर का चेक किया, टेम्परेचर चेक किया एंड आफ्टर चेकिंग द टेम्परेचर ही एंटर्ड इन इट. ठीक है, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वॉटर बिगेन टू बॉइल. सॉरी, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. केटल में मतलब कि अपना हेड डाल के, ठीक है, अपने हेड की तरफ से वो बिल्कुल अच्छे से एंटर कर गया. ठीक है, कुछ टाइम तक तो सही रहा बिकॉज नीचे आग जल रही है, केटल रखी हुई है, पानी गर्म हो रहा है, तो थोड़ी देर तक जितनी देर तक पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तब तक तो ओके, इट वाज ओके अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. जब पानी उबलना शुरू होगा तो क्या होगा, गर्म ऑब्वियस हमें गर्म महसूस होगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. जब हल्का सा गर्म हुआ ही
रेज्ड हिमसेल्फ अपवर्ड्स, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर ठंड थी अंदर गर्मी, तो फिर वो बैठ गया. ठीक है, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड हिम. ठीक है, तो धीरे धीरे पानी उबलना शुरू हो गया, फिर वो कभी ऊपर जंप करता, कभी नीचे नीचे को आ जाता, कभी ऊपर जंप करता. समटाइम ही वॉज जंपिंग, होपिंग मीन्स जंपिंग. Sometimes he was jumping upwards, sometimes he was coming down. And after some time, mother came, grandmother came and hauled him. Hauled him means pulled him out, half boiled out of the kettle. ठीक है, पूरी तरीके से पानी काफ़ी उबल चुका था. ठीक है, तो ऐसे में उसको खींच के निकाला. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely devoted to Toto. ठीक है, what he says that कि अगर किसी का दिमाग ज़्यादातर मिस्चीफियस में यानी कि शरारतों में लगा होता है तो हम कह सकते हैं दैट वॉज टोटो. ठीक है, जिसका दिमाग शरारतों के लिए बहुत ज़्यादा चलता है. ही वॉज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसेस वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. कोई भी चीज़ देखनी, ही यूज टू टीयर दोज थिंग्स इन द पीसेस, जैसे कागज़ देख लिया कोई भी, ठीक है, कपड़ा देख लिया उसमें होल्स बना दिए. वेन एवर हिज आंट्स केम, उसके आंट जब भी उसके पास आते थे मंकी के पास, ही यूज टू होल्ड द ड्रेस, उसके ड्रेस को पकड़ के उसके अंदर होल्ड कर देना. लाइक दैट ही यूज टू डू. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर, स्टिल यू हैव नो डाउट इन दिस. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. ओके, व्हेन लंच टाइम वॉज देयर, तो काफ़ी बड़ी सी एक डिश में पुलाव रखा हुआ था. ठीक है, बिकॉज एवरी वन हैज़ टू कम एंड टेक द लंच, तो बड़े से एक डिश के अंदर पुलाव अच्छे से रखा हुआ था. एंड एवरी वन वॉज कमिंग, व्हेन एवरी वन एंटर्ड द रूम, जैसे ही सभी एंटर किए, देन व्हाट दे सी, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ, यानी अपने अंदर, स्टफिंग मीन्स खाना अंदर घुसाना. ठीक है, ही वॉज पुटिंग द राइस इन हिमसेल्फ, मीन्स वो राइस खा रहा था. ठीक है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. वेन द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, जोर से चिल्लाना, डांटना, स्कोल्डेड, यहाँ पे हम हेयर वी कैन यूज इवन स्कोल्डेड वर्ड. देन टोटो थ्रू अ प्लेट और उसके ऊपर प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. जब एक आंट उसके आगे को भाग के आई, देन व्हाट डिड टोटो डू, टोटो ने एक गिलास उठाया पानी का एंड ही थ्रू दैट ऑन आंट. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो. जैसे ही ग्रैंडफादर एंटर किया, उसने क्या किया, ही पिक्ड द प्लेट. ठीक है, और क्या किया उसने, विंडो से बाहर चला गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. वो सारा दिन वहीं पे रहा और वहाँ पे आराम आराम से राइस खाता रहा. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एवरी ग्रेन मीन्स हर एक दाना, किसका, राइस का, यानी कि उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि भी कोई भी एक भी दाना वो नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे राइस खा गया वो. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है डिस्टर्ब, ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. ठीक है, तो उसने क्या किया, ग्रैंड मदर को डिस्टर्ब करने के लिए, बदला लेने के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्लाया था, तो उसने क्या किया, प्लेट को फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट लाफ, हेयर चैटर्ड मीन्स लाफ, विद डिलाइट मीन्स विद हैप्पीनेस, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. जब उसके काफ़ी सारे टुकड़े हो गए, पूरी तरीके से वो टूट गए, देन ही स्टार्टेड लाफिंग. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. Means उसके grandfather को भी ये realize हो गया that Toto was not a pet कि उसको ज़्यादा देर तक अपने साथ रखा जा सके. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dish. Well to do means we are not very rich. हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे और ना ही हम एफोर्ड कर सकते थे फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर. वॉलपेपर स्टार्टिंग में ही रिमूव किया था ना वॉल से. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टाउन ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees. ठीक है, फिर व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू, उन्होंने दोबारा से उस टाउन ड्राइवर को ढूंढा और उसको
टोटो वापस कर दिया. दैट इज़ ऑल इन दिस लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी बेटर. बाय स्टूडेंट्स.